अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक 1500 वाट का UPS है। इसका ट्रांसफार्मर जल गया था तो हमने नया लगा दिया। ठीक है, ये इसकी टैपिंग निकली हुई है, लूप निकले हुए हैं, यहाँ पे सोल्डर किया हमने। ठीक है, सोल्डरिंग अच्छे से करना है, दो नंबर ही बिल्कुल नहीं करनी काम करते हुए। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग किया, कितना बेहतरीन किया है। उम्मीद है आपको ये मेरा सोल्डरिंग किया हुआ टांका पसंद आया होगा। ये देखें, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैंने सोल्डर किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे जो बैटरी की नेगेटिव वायर है वो किस तरह कनेक्ट करनी है। ये देखें, एक तरफ से इसकी इंसुलेशन रिमूव कर लेनी है। ठीक है, इधर वो टर्मिनल आ जाएगा उसका जो बैटरी को लगेगा नेगेटिव वाला, जिस पे N लिखा होता है राइट साइड पे। ठीक है, P वाला नहीं लगाना। ठीक है, टर्मिनल पे गौर से देखें तो इनके ऊपर लिखा होता है P और N, यानी कि P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। इसको हम जनाब इस सुराख से निकाल लेंगे। वो जो सुराख आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये वाला सुराख, इससे निकाल लेंगे अच्छी तरह। तार का दिल ही नहीं कर रहा निकलने के लिए। और यहाँ पे अच्छा, एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना, ये है वैसे गलत बात है। इस तरह इसमें हम ऊपर इसका जो बोल्ट है वो लगा देंगे। मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, आप ज़रा चेक करें अगर आपको नज़र आ रहा है। अच्छी तरह इसको इसके ऊपर रख के ये 10 नंबर की गोटी है, ये शायद इसमें डल जाए। हाँ, इससे अच्छी तरह टाइट कर देना इसको। ठीक है, ये देखो इसका हैंडल लंबा है, ज़रा टाइट करने में आसानी रहता है। इस तरह ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, बस मुनासिब सा, लूज़ नहीं होना चाहिए, बस बस ठीक है। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाया तो फिर ये स्लिप हो जाएगा और आपको नई सोल्डिंग करनी पड़ेगी इस जगह पे। ये काविया है, ये हैवी टांकों के लिए ये काविया है। तकरीबन अच्छा जी 75 वाट का इसका मॉडल है TLW75 220। ये 230 से लेके ये अप्लाइड वोल्टेज है इसके, बड़ा बेहतरीन काविया है। मॉडल इसका पुराना है लेकिन काम ये बिल्कुल नए, मेरी इस मशीन से भी बेहतर काम करता है। 75 वाट का काव्य यूज़ करना है आपने ज़्यादा हैवी टांकों के लिए, इनके लिए 75 वाट का, और इस हैवी टांके के लिए भी 75 वाट का या उससे ज़्यादा का काव्य यूज़ करना है। बाकी छोटे मोटे टांकों के लिए तो दूसरे काव्य चल जाते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं इसके कनेक्शन कर लूँ, फिर वापसी पर आता हूँ आपको मज़ीद मालूम फराम करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको OES टैग की वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, अगर नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं।